क्या पढ़ रहे हैं हम लोग? यस, व्हाट वी आर प्रिंट डूइंग? कल्चर मॉडर्न वर्ल्ड। ओके, प्रिंट कल्चर, मॉडर्न वर्ल्ड। ठीक है, क्या क्या पढ़ा दिया है मैंने इसमें? हाउ मेनी टॉपिक्स वी हैव कवर्ड टिल सो फार? सर सर रिलीजियन रिफॉर्म एंड पब्लिक डिबेट्स हमारा पूरा हो गया था। अच्छा, ठीक है। तो इससे पहले जो भी मैंने पढ़ाया है वो सब क्लियर है सभी को? क्या किसी को कोई डाउट? एनीवन हैज एनी डाउट? यस, मैं आप लोगों से कुछ पूछ रहा हूँ, बताइए। हाँ ना, कुछ भी सर मेरे सर एक डाउट बताओ। था सर, जो इसमें प्रिंट कम्स टू इंडिया वाला सर पैराग्राफ है सर, उसमें लिखा है 1780 में, थोड़ा मतलब जोर से बोलो। जेम्स। आई थिंक जैद बोल रहे हो ना? थोड़ा यस सर, तो जोर सर से बोलो, सेवनटीन सर वॉइस क्लियर नहीं आ रही सेवनटीन आपकी। सर सेवनटीन एट्टी में हाँ, जो ही हाँ बोलो। यस सर, जो सर ये पैराग्राफ है प्रिंट कम्स टू इंडिया सर, इसमें जो दे रखा है सर जेम्स अगस्टस ही की जो है उन्होंने सर न्यूज़पेपर बनाया था जो बंगाल गैजेट का, और सर दूसरी तरफ सर दे रखा है जो इंट्रोड्यूस करा था सर गंगाधर भट्टाचार्य सर, दोनों में सर सेम ही नेम दे रखा है। हाँ, तो एक बंगाल गैजेट जो इंग्लिश था वो आपका जो है फर्स्ट इंट्रोड्यूस किया गया था जेम्स ऑगस्टस हिकी एंड देन बम गंगाधर राव। ठीक है, फर्स्ट ओके सर, जो है कि आपका कौन थे, हु वाज़ द फर्स्ट वन? क्रिश। सर वो जेम्स ऑगस्टस हिकी। हाँ, जेम्स ऑगस्टस हिकी थे। फिर एक दूसरा बंगाल गैजेट आपका है जिसको गंगाधर भट्टाचार्य लेकर आते हैं, राइट? ओके सर, चलो ठीक है। इसके अलावा और क्या पढ़ा है हम लोगों ने? एनी अदर पॉइंट विच वी हैड डिस्कस्ड? सर ये मोनोथेइज्म क्या होता है? ओके मोनोथेइज्म, एक सिंगल गॉड, राइट? मोनो समझते हो ना? यस सर, हाँ, उसी से मोनोथेइज्म। आपने ये वहां पर पढ़ा होगा ना, इंडियन वाले केस में। यस सर, तो पहले क्या था, मतलब लोग कहते थे कि गॉड गॉड को लेकर जो है कि बहुत ज्यादा उसमें क्या होता था कि मतलब अपने लोग विचार रखते थे। कोई कहता था सिंगल गॉड, कोई कहता था सिंगल गॉड ब्रह्म, ब्रह्मो समाज जानते हो, ब्रह्म एक है। ठीक है, यस सर, ठीक ब्राह्मो समाज। है। तो जो है कि लोगों का कहना था कि नहीं, गॉड जो है, गॉड जो है एक से ज्यादा है। ठीक है, तो उसी से उसको हिंदी में अद्वैतवाद कहा जाता है, मोनोथिज्म, राइट? यस सर, और जब मोनो हट जाएगा, पॉली लग जाएगा, तो एक से ज्यादा। मैनी गॉड्स। मैनी। एनी अदर डाउट? एनी डाउट एनीवन हैज? चलो, तो बिफोर आई गो अहेड, अब थोड़ा सा मैं जान लूँ कि आप लोग पढ़े हो कि नहीं, राइट? प्रिंट्स कम टू इंडिया, प्रिंट कम्स टू इंडिया में हम लोगों ने क्या डिस्कस किया था, कोई आप में से बता सकता है? प्रिंट कम्स टू इंडिया जब मैंने कल पढ़ाया तो उसमें मैंने क्या पढ़ाया था, कोई इसको हाईलाइट कर सकता है आप में से? अर्नव, और कोई नहीं कर सकता? हाँ अर्णव, बताओ। यस सर। सर मैं विजिबल हूँ। अभी नहीं, अच्छा सर, एक सेकेंड। यस सर, नाउ।
यस यू आर। यस सर। सर प्रिंट कम्स टू इंडिया में हमने ये पढ़ा था कि जो फर्स्ट टाइम इंडिया में प्रिंट कल्चर की शुरुआत हुई थी वो गोवा के आसपास से हुई थी, जो कि पोर्तुगीज़ लेके आए थे। और इसमें जो फर्स्ट अगर हम देखें तो यहाँ पे जेसुइट ब्राह्मण्स का नाम आता है, जिन्होंने किसी ट्रैक्ट से जो वहाँ की लैंग्वेज थी कोंकणी वो सीख लिया था। और बाय 1674 कई सारे प्रिंट्स हो चुके थे। और इसमें फिर कई सारे फर्स्ट प्रिंट्स का नाम आता है कि जैसे इन ईयर 1713 में जो वहाँ के कैथोलिक चर्च थे उन्होंने फर्स्ट मलयालम पेपर पब्लिश कर दिया था। फिर एक और आता है कि फर्स्ट तमिल जो टेक फर्स्ट तमिल जो था वो 1579 में ही कोचीन में पब्लिश कर दिया गया था। और फिर एक और आता है कि 1710 में डच मिशनरीज जो वहाँ पे थी, बेसिकली डच प्रोटेस्टेंट्स जो वहाँ पे थे, उन्होंने 32 तमिल टेक्स्ट पब्लिश कर दिए थे। इसके बाद फिर एक आता है बंगाल गैजेट, जो कि 1780s के आसपास इंडिया में स्टार्ट किया गया था। एक न्यूज़पेपर था जो कि जेम्स हिकी करके एक थे, जेम्स ऑगस्टस हिकी, उन्होंने स्टार्ट किया था। और ये इस बात पे बहुत ज़्यादा एम करता था कि ये किसी भी और मतलब किसी भी एक्स्ट्रा फोर्स के इन्फ्लुएंस में नहीं आने वाला पहला न्यूज़पेपर है। मतलब इसकी ये पार्शियल नहीं है। इट इज अ कमर्शियल पेपर इन्फ्लुएंस्ड बाय नन। यस सर, सर इम्पार्शियलिटी को। और इसमें अच्छा हिकी ने इस पेपर को पॉपुलराइज करने के लिए कई सारे एडवर्टीजमेंट्स इसमें डालना बहुत शुरू अच्छा कर ये दिए। बताओ, इसमें ये था कमर्शियल पेपर इन्फ्लुएंस्ड बाय नन, या फिर ये था अ कमर्शियल पेपर ओपन टू ऑल बट इन्फ्लुएंस्ड बाय नन? यस सर, ओपन टू ऑल एंड इन्फ्लुएंस्ड बाय नन था। चलो ठीक है। और सर इसमें उन्होंने कई सारे एडवर्टीजमेंट्स देना स्टार्ट कर दिए थे, जैसे कि, और ये बाद में जाके मतलब वो इतने ज्यादा एडवर्टीजमेंट्स देने लगे, जैसे कि उन्होंने इम्पोर्ट और खरीदना बेचना जो स्लेव्स का होता था उसके भी एडवर्टीजमेंट्स पेपर में इंक्लूड होने लगे। फिर उसमें उसके बारे में भी वो इन्फॉर्मेशन देने लगे कि कंपनी के जो हाई ऑफिशियल्स थे उनके बीच में क्या गॉसिप्स चल रही थी, तो इससे मतलब कंपनी की इमेज खराब हो रही थी। तो इस वजह से उस टाइम के जो वायसराय थे वॉरेन हेस्टिंग्स, उन्होंने इकी को वेट पर्सनली वेट कर वेट, वॉइस रॉय लिखा हुआ है, सर। गवर्नर जनरल, फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, या फर्स्ट यस गवर्नर जनरल यस सर, वॉरेन हास्टिंग। वॉरेन हेस्टिंग्स जो थे सर फर्स्ट गवर्नर जनरल, उन्होंने परसिक्यूट कर दिया, और उसके बाद फिर जो इसकी वजह से कंपनी की जो इमेज खराब हुई थी, तो उसको काउंटर करने के लिए फिर मार्केट में कई सारे ब्रिटिश न्यूज़पेपर्स और ये भी सब स्टार्ट हो गए। और इसमें कुछ स्टार्टिंग में इंडियन न्यूज़पेपर्स भी थे, जैसे कि एक और बंगाल गैजेट का नाम आता है जो कि बाल गंगाधर भट्टाचार्य ने स्टार्ट किया था, जो कि राजा राम मोहन रॉय के करीबी थे। अच्छा ठीक है। अब ट्रेम्बल देयर फोर टायरेंट ऑफ द वर्ल्ड जो मैंने पढ़ाया था, यस इसमें सर। क्या क्या आपने समझा था? सर ट्रेम्बल देयर फोर टायरेंट ऑफ द वर्ल्ड, इसमें बेसिकली ये समझा था कि मिड ऑफ 18th सेंचुरी में जो बुक्स थी और कई सारी ये जो रिटेन मतलब एक तरह से कहें कि बुक्स का ही फ्लो बहुत बढ़ गया था, जिसकी वजह से लोग बहुत इनलाइटेंड हो रहे थे। और इसमें एक हमने नाम पढ़ा था सेबेस्टियन मर्सियर, उनकी दो कोट्स थे कि एक ट्रेम्बल देयरफॉर टायरेंट्स ऑफ द वर्ल्ड, ट्रेम्बल बिफोर द वर्चुअल राइटर। मतलब वर्चुअल राइटर यानी कि कोई कहीं बैठकर बुक्स लिख रहा है, उससे लोग इनलाइटेंड हो रहे हैं, वो हर बात में रीजन रीजन और लॉजिक पूछ रहे हैं। इसकी वजह से जो मोनार्क हैं और जो ये चर्च के अथॉरिटीज हैं जो पहले से चले आ रहे हैं, इनके ऊपर अब जब क्वेश्चन उठने लग रहा है तो इनकी जमीनें हिल रही हैं एक तरह से। और सेबेस्टियन मर्सियर ने ये भी कहा था कि जो प्रिंटिंग प्रेस है वो एक इंजन है प्रोग्रेस का, और जो लोगों का सपोर्ट है वो डिस्पोटिज्म को पूरी तरीके से हटा सकता है। चलो ठीक है। तो एक बात बताओ, आपने रिवीजन किया था कि आपने जो कल का मैंने पढ़ाया कल पढ़ाया था सब वो रिकॉल करके अपने से बना के बोल रहे? सर थोड़ा सा रिवीजन कर पाया था सर, मैं नोट्स नहीं प्रिपेयर कर पाया था। चलो और अच्छे से पढ़ो, ठीक है, वेरी गुड। ओके सर। नेक्स्ट कृष्ण, आप बताओ, कृष्ण वर्मा। यस सर।
आपने टेक्नोलॉजी के बारे में पढ़ा था? फर्दर इनोवेशन में टेक्नोलॉजी वगैरह कुछ पढ़ा होगा? अच्छा यस सर सर चलो, उस टेक्नोलॉजी चलने से पहले चिल्ड्रन विमेन एंड वर्कर्स के बारे में बता दो, क्या पढ़ाया था मैंने आपको? सर जो 19th सेंचुरी थी सर उसमें सर जो लिटरेसी रेट थी यूरोप की काफ़ी बढ़ गई थी, और सर इसके बाद प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी पे इम्प्रूव हो गई थी जिससे बहुत सारी बुक्स आ रही थी, जिसके कारण स्कूल चिल्ड्रन की जो भी बुक्स थी वो भी काफ़ी ज़्यादा वास्ट नंबर में आ रही थी, इसके कारण वो एडुकेट हो रहे थे, और कई जगहों के रूरल एरियाज के भी जो फोक टेल्स वगैरह थे उन्हें उन्हें प्रिंट किया जा रहा था टेक्स्ट बुक में। इसमें अगर हम वुमेन का रोल देखें तो वो इम्पोर्टेंट रीडर्स एज वेल एज राइटर्स थी, वो कई वुमेन और वुमेन को इंस्पिरेशन देती थी। अगर उनकी रीडिंग में देखा जाए तो ज़्यादातर मैगजीन होती थी जो 18th सेंचुरी से ही काफ़ी पॉपुलर थे उनके बीच में, जैसे सर जो पैनी चैपमैन ला लेके आते थे, उसके कारण कई सारे वुमेन इंस्पायर होती थी कि अब वुमेन का स्टेट के पास पावर ऑफ थिंकिंग है और वो वीक नहीं है किसी से भी। अच्छा, और उसमें कुछ पॉइंट्स हैं जो आप भूल रहे हो? सर और क्या था? आपने कुछ भूला है? मतलब अगर आपने पेनी मैगजीन का नाम लिया है ना आपने, सर वो 18th सेंचुरी का था सर। तो पेनी मैगजीन में क्या सिखाया जाता था वेमेन को? प्रॉपर सर बिहेवियर मैनर्स एंड वगैरह के बारे में, मैनर्स एटिकेट्स वगैरह। हाउसकीपिंग। यस सर। ठीक है, कुछ प्रोमिनेंट नोवेलिस्ट का नाम बताओ। सर ब्रूट सिस्टर्स, जेन, ब्रॉन्ट सिस्टर, ठीक है, सर जेन ऑस्टिन, जेन ऑस्टिन और सर और नहीं याद। जॉर्ज एलियट। ठीक है, कोई बात नहीं। लेंडिंग लाइब्रेरीज बताओ। सर लैंडिंग लाइब्रेरी सर इंग्लैंड में थी जो व्हाइट कॉलर क्लास के अलावा लोअर मिडिल क्लास और वर्कर्स को भी एडुकेट कर रही थी। सर वहाँ पे जो बुक्स होती थी उन्हें कोई भी लैंड पे ले सकता था, इसके कारण जो बहुत सारे पीपल थे अब वो रीड करने लग गए थे और इनलाइटन हो रहे थे। सर आपने ठीक से पढ़ाई की है? नोट्स सारा डेटा मिक्स हो गया आपस में, बनाया था नहीं बना पाया था सर। क्यों? सर स्कूल में सर सबमिट करना था काम इसलिए। तब ये कब करोगे? ठीक सर 1-2 दिनों में पूरे नोट्स बना लूँगा मैं। है, बना के भेज देना। यस सर। चलो लेट्स स्टार्ट दिस सेशन। ठीक है, थोड़ा रिवीजन भी हो गया और आगे देखते हैं आगे क्या है हम लोगों को पढ़ना। राइट, आई होप माई स्क्रीन इज विजिबल टू ऑल ऑफ यू, इजंट इट? यस सर। यस सर। यस सर। तो प्रिंट कम्स टू इंडिया, राइट, रिलीजियस रिफॉर्म्स एंड पब्लिक डिबेट्स। आई थिंक वी हैड अ डिस्कशन ऑन दिस earlier, means in yesterday's class only we had a discussion on this, right? पढ़ा दिया है ना मैंने? यस सर। yes. and I think till here we are done with. reading भी हो गया यस था और reading was left? सर रीडिंग भी हो गया था। reading भी हो गया था। तो almost we are done till here, so give me a second so that I can pick a pen over here. so here is it. now तो अब आपका आता है नेक्स्ट, क्या है ये नेक्स्ट? दिस वन। सो वी आर डन टिल हियर। अमंग हिंदूज टू प्रिंट एनकरेज द रीडिंग ऑफ रिलीजियस टेक्स्ट। ओके, सो दिस वाज द केस ऑफ मुस्लिम्स वी डिस्कस्ड, राइट? नाउ नाउ इन केस ऑफ हिंदूज, राइट, दो इन केस ऑफ हिंदूज यू विल फाइंड दैट पीपल वेर एनकरेज टू रीड टेक्स्ट, राइट, रिलीजियस टेक्स्ट, और खासकर उनके अपनी भाषा में जब हो तब तो और अच्छी बात है। तो पहला प्रिंटेड एडिशन ऑफ रामचरित्र मानस ऑफ तुलसीदास, ठीक है, अ 16th सेंचुरी टेक्स्ट। तुलसीदास वॉज कंटेम्प्रेरी टू हुम? ही वॉज कंटेम्प्रेरी अर्नब। ही वॉज कंटेम्प्रेरी टू अकबर, ठीक है। तो रामचरित्र यस मानस उन्हें लिखा है, तुलसीदास, सर। यस ठीक है। तो तुलसीदास जी ने रामचरितमानस लिखा है, और रामायण किसने लिखा है?
वाल्मीकि, वाल्मीकि। वाल्मीकि, तो महाभारत, वेद व्यास, वेद व्यास। वेद वेरी व्यास। गुड। अ 16th सेंचुरी टेक्स्ट केम आउट फ्रॉम कैलकाटा इन 1810, ओके। बाय द मिड 19th सेंचुरी चीप लिथोग्राफिक एडिशन फ्लडेड नॉर्थ इंडियन मार्केट्स, ठीक है। उसके बाद धीरे धीरे लिथोग्राफिक एडिशन भी स्टार्ट हो गए, ठीक है, और नॉर्थ इंडिया के मार्केट को क्या क्या कवर अप किया गया, ठीक है। और फिर 1880s में देखा गया नवल किशोर प्रेस लखनऊ में, ठीक है, और श्री वेंकटेश्वर प्रेस बॉम्बे में, इन्होंने नंबर ऑफ रिलीजियस टेक्स्ट क्या किए, पब्लिश किए, प्रिंट किए, वर्नाक्युलर मतलब जो है रीजनल डायलेक्ट्स में, ओरिजिनल लैंग्वेजेस में, ठीक है। और ये कुछ इस तरीके से लिखा गया कि जो कि बड़े आराम से लोग उसको पढ़ ले रहे हैं, समझ ले रहे हैं, ठीक है, और नॉलेज एक्वायर कर रहे हैं, ठीक है। दे कुड ऑल्सो बी रेड आउट टू अ लार्ज ग्रुप ऑफ इलिटरेट मैन एंड वेमेन, यस वी आर ऑलरेडी अवेयर ऑफ, वेर वी आर अवेयर ऑफ, वेर वी ऑलरेडी स्टार्टेड दिस, वी स्टार्टेड दिस वेन वी डिस्कस्ड इट इन यूरोप, राइट, वी ऑलरेडी हैड अ डिस्कशन वेन वी कवर अप द टॉपिक ऑफ यूरोप, जब यूरोप वाला पढ़ा था तो वहां पे ये सारी चीजें हम लोगों ने सीखी हैं, वही सेम चीज यहाँ पे क्या हो रही है, रिपीट हो रही है, समझ में आ रही है बात ये वाला। यस सर, यस यस सर। सर। तो अब जो अब जैसे जैसे रिलीजियस टेक्स्ट लोगों के पास जा रहा है, ठीक है, वाइडर सेक्शन ऑफ सोसाइटी जब उसे पढ़ रही है, तो जो है कि ओवरऑल एक कंसेंसस बिल्डअप हो रहा है डू एंड डोंट्स का, अच्छे और बुरे का, कंट्रोवर्सी भी हो रही है, ठीक है, और कंफ्लिक्टिंग ओपिनियंस भी आ रही हैं। सो इस तरीके से पब्लिशर्स को मौका मिल रहा है कि एक व्यू में अगर वो प्रिंट कर रहे हैं तो अब उनके पास मौका मिल गया, दूसरा व्यू भी लोग बोल रहे हैं अगर, तो दूसरे व्यू में भी प्रिंट करें, ठीक है। तो यहाँ पे डिफरेंसेस भी देखे गए, बट एट द सेम टाइम डिफरेंसेस के अलावा आप यूनिटी भी देखोगे कि बनती है विद द हेल्प ऑफ प्रिंट, ठीक है। अगर भक्ति मूवमेंट स्टार्ट हुआ फ्रॉम साउथ इंडिया सपोज, ठीक है, एंड इट वेंट आउट इन नॉर्थ इंडिया, ठीक है, साउथ इंडिया से शुरू होता है और नॉर्थ इंडिया में जाता है, ठीक है, सो इट मीन्स व्हाट, भक्ति मूवमेंट में अलग अलग जो है क्या आते हैं, आचार्य आते हैं और भक्ति के बारे में सिखाते हैं, सगुना सगुन निर्गुण, आप जानते हो ये सब, भक्ति के बारे में सुना है कभी, यस सर, 7th या यस 8th सर, में पढ़ा था। अलवर संत, नैनार संत, ठीक है। तो लोगों को एक जो है कि टेक्स्ट के जरिए लोगों ने क्या किया, रिलीजियस थॉट जो है कि प्रीचिंग्स दी, और उस रिलीजियस प्रीचिंग्स के थ्रू नॉर्थ एंड साउथ इंडिया को बाइंड अप कर दिया, ठीक है। तो इस तरीके से आप ये बात कह सकते हो कि एट वन प्लेस डिफरेंसेस थे तो अदर प्लेस में देखा गया कि कनेक्शन भी स्टैब्लिश हो रहा है, एंड दिस वॉज ऑल डन विद द हेल्प ऑफ प्रिंट, राइट। टुडे विद द हेल्प ऑफ न्यूज पेपर यू कैन सी दैट हाउ पीपल आर बींग यूनाइटेड, वी कम टू यूनाइटेड, राइट। ये क्लियर हो पा रहा है आपको, यस सर, एनी डाउट यस एनी वन हैज, सर। हम नेक्स्ट देखते हैं। सो आई थिंक वी आर डन टिल हियर, राइट। अच्छा हाँ, प्रिंट डिड नॉट ओनली स्टिमुलेट द पब्लिकेशन ऑफ कंफ्लिक्टिंग ओपिनियंस अमंगस्ट कम्युनिटीज, बट इट ऑल्सो कनेक्टेड कम्युनिटीज एंड पीपल इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया, यस वी आर अवेयर ऑफ, न्यूज पेपर कन्वे न्यूज फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर क्रिएटिंग अ पैन इंडिया आइडेंटिटी, यस, ठीक है। पैन इंडिया आइडेंटिटी मीन्स वॉट, मीन्स विद द हेल्प ऑफ न्यूज पेपर यू आर डेवलपिंग कंसेंसस अमंग द इंडियंस हु आर लिविंग इन इंडिया, राइट, इररेस्पेक्टिव ऑफ द रीजन इन थ्रू इन विच फ्रॉम विच दे बिलोंग्स टू, whether they are from north, south, east, west, right? If a newspaper is being spread, it means a knowledge is being spread and information is being spread, right? And majority of people who are Indians, right? Of course, all are Indians, but majority of you know, will definitely build up a consensus among themselves. And when they will build up a consensus among themselves, then a pan-India identity will be created, and it will further, you know, put pressure on the government. You must have heard about pressure groups, movements, right? Yes, sir. Interest groups. Yes, sir. So this is all being done with the help of print, right? अगर print नहीं हो तो ऐसा तो कैसे, आप कैसे किसी को इकट्ठा करोगे, मोबिलाइज करोगे,
this will be a very difficult task, right? So print had helped in bringing out this, right? Now the next one is new form of publication. Now print doesn't always mean that you are just writing out things and you are, you know, disseminating out in public domain. You can, you know, make cartoons. This is also a form of print. Caricatures. Caricatures, do you know what caricature stands for? You must have seen in different, you know, newspaper that different political leaders of different political parties, they are being represented with the help of caricatures, right? You sir, can cartoons, easily, sir. Yes, you can easily recognize them that this particular cartoon is of some XYZ leader, right? Means someone who is really existing as a leader, right? If people are putting them in a cartoon, in a face, you know, like a cartoon in a newspaper, you can call it them as a caricature. Even you must have seen that in news, different news, right? Different political leaders, you know, they are represented through caricature. And one such show is, I think, a clip. I think it's a short clip, right? Short clip of I think it's India Today. No, not India Today. Yes. Oh my God. Have you ever seen of Oh My God on India Today? Yes, sir. Yes, sir. A very good example of caricature, right? This is also a kind of print you can find on newspaper also, right? This kind of caricature you can find on newspaper also. And, you know, so different artists came at different interval of time. They use their, you know, their skills, and they, you know, with the help of print, they have disseminated information which they are looking for, right? So it becomes a new form of forms of publication, right? It becomes a new forms of publication. So ab isko ek baar read karo, then we will have a further discussion on this, that what sort of thing we need to, you know, keep in mind while doing it in print, right? So shuru karo, kon read karna chahega? Raise your hand. Who is he? I don't know. Yes. New forms of publication. Printing created an appetite for new kinds of writing. As more and more people could now read, they wanted to see their own lives, experiences, emotions, and relationships reflected in what they read. The novel, a literary firm which had developed in Europe, ideally catered to this need. It soon acquired distinctively Indian forms and styles. For readers, it opened up new worlds of experience and gave a vivid sense of diversity of human lives. Other new literary forms also entered the world. Underline this, the novel, a literary firm which had developed in Europe, ideally catered to the needs, to this needs. We all are already aware of, you know, different types of books were published, right, in public domain in order to cater out the demands of different people. Okay. So in India also, this happened. The same thing happened in India also, right? So people here in India, they are also experiencing the world in a newer way, right? Is that clear to all of you? Yes, sir. And one of the good way of doing is through reading out different novels. इसको हिंदी में कहते हैं उपन्यास. चलो कंटिन्यू करो, वी विल हैव अ डिस्कशन फर्दर. यस सर. अदर न्यू लिटरेरी फॉर्म्स आल्सो एंटर्ड द वर्ल्ड ऑफ रीडिंग. लिरिक्स, शॉर्ट स्टोरीज, एसेज अबाउट सोशल एंड पॉलिटिकल मैटर्स, इन डिफरेंट वेज दे रीइंफोर्स द न्यू एम्फेसिस ऑन ह्यूमन लाइव्स एंड इंटीमेट फीलिंग्स अबाउट द पॉलिटिकल एंड सोशल रूल्स दैट शेप सच थिंग्स. बाय द एंड ऑफ 19th सेंचुरी अ न्यू विजुअल कल्चर वॉज टेकिंग शेप. With the setting up of an increasing number of printing presses, visual images could be easily reproduced in multiple copies. Underline all those things. Yes, sir. Painters like Raja Ravi Verma produced images for mass circulation. Important. Yes, sir. Poor wood engravers who made wood blocks set up shop near the letter presses and were employed by print shops. Cheap prints and calendars easily available in the bazaar could be bought even by the poor to decorate the walls of their homes or places of work.
These prints began shaping popular ideas about modernity and tradition, religion and politics, and society and culture. Wait. So, अब जब different type of print आ रहे हैं public domain में, ठीक है, तो लोग उसको खरीदना चाहते हैं, attract होते हैं, ठीक है. एक printing का एक बढ़िया example है राजा रवि वर्मा का painting. He was a very good painter, outstanding painter. You must have studied about him in, I think, class 8th. 7th, 8th में पढ़ा होगा राजा रवि वर्मा. You have heard of the name of this famous painter, right? Yes, sir. हाँ, राजा रवि वर्मा ने कई सारे पेंटिंग बनाए, ठीक है. और when, और इस पेंटिंग को जब ये पेंटिंग बनती थी तो जिस शॉप में ये पेंटिंग बिकती थी वहां पे वुड इनग्रेवर्स हुआ करते थे. दे यूज्ड टू मेक वुड ब्लॉक्स, ठीक है, तो फ्रेम वगैरह उसका क्रिएट करना, राइट. और फिर उसके बाद जो है कि वो उस प्रिंट को उस जो है आप जानते हो कोई भी पिक अगर आप इमेज खरीदते हो तो उसके साथ फ्रेमिंग वगैरह भी की जाती है, राइट. तो ये सारी चीजें अब इन सब का जो है कि एक पब्लिकेशन मतलब एक कह सकते हो कि ये एक जो बिजनेस है इसका, ठीक है, ऐसे प्रिंट को भी बेचने का, वो क्या होता है, फ्लरिश करता है, डेवलप होता है धीरे धीरे, ठीक है. और फिर कैलेंडर्स भी अवेलेबल हो जाते हैं बाजार में. लोग अब जो है कि पुअर स्ट्राटा जो ऑफ सोसाइटी में जो लोग बिलोंग करते हैं वो भी अब ऐसे प्रिंट को खरीद सक रहे हैं, ठीक है, और चीजों को खरीद पा रहे हैं और अपने घरों में लगा पा रहे हैं सजाने के लिए, डेकोरेशन पर्पस के लिए, ठीक है. तो इस तरीके से प्रिंट अब जो है कि इन फॉर्म ऑफ इमेज भी क्या कर रहा है, फ्लरिश कर रहा है. एक जस्ट एग्जांपल दिया गया कि कैसे अलग अलग डोमेन में प्रिंट क्या करता है, डेवलप होता है. आज के डेट में अगर आप देखो तो बाजारों में बहुत सारे आपको मिल जाएंगे ना इमेजेस पेंटिंग के. इवन कुछ तो ऐसे पेंटिंग होते हैं जिनके जो है कि जिनका ऑक्शन होता है. आपने कभी सुना है कि पेंटिंग्स का भी ऑक्शन होता है? Yes, sir. ठीक है, उसके जो है कि एग्जीबिशन होते हैं, उसके एग्जीबिशन होते हैं पेंटिंग्स के, और फिर वहां पे लोग जाते हैं फिर पेंटिंग खरीदते हैं, राइट. तो हालांकि वो तो पुअर्स के लिए नहीं हुआ, बट यहाँ पे पुअर्स के लिए भी ऑप्शन है, शॉप से आप खरीद सकते हैं. इज दिस क्लियर टू ऑल ऑफ यू? यस सर. यस सर. एनी डाउट एनीवन हैज? चलो कंटिन्यू करो. यस सर. बाय द 1870s caricatures and cartoons were being published in journals and newspapers commenting on social and political issues. Some caricatures ridiculed the educated Indians' fascination with western tastes and clothes while others expressed the fear of social change. तो caricature और cartoons भी बनने लगे. मैंने शायद आपको caricature और cartoon बता दिया है. Yes, yes. तो जो कैरिकेचर और कार्टून बन रहा है वो क्या कर रहे हैं, इंडियंस की मजाक उड़ा रहे हैं क्या ये लोग जो है कि वेस्टर्न के पीछे भाग रहे हैं, वेस्टर्न क्लोथ्स पहन रहे हैं, ठीक है. कुछ लोग मजाक उड़ाते हैं, कुछ लोगों को डर लगता है कि ये तो बहुत बड़ा सोशल चेंज हो रहा है, हमारी खुद की आइडेंटिटी अब क्या हो रही है, डिमिनिश्ड हो रही है, राइट. एंड पीपल आर वेरी फॉन्ड ऑफ दिस वेस्टर्न कल्चर, ठीक है. कुछ कैरिकेचर होते हैं जो कि नेशनलिस्ट का मजाक उड़ाते हैं, ठीक है. कुछ लोग होते हैं जो है कि कैरिकेचर जो कि इंपीरियल रूल को जो है कि क्या करते हैं, निंदा करते हैं, ठीक है, क्रिटिसाइज करते हैं. तो इसी तरीके से कैरिकेचर और कार्टून भी क्या करता है, एक अपना वाइडर ऑडियंस क्या कर रहा है, गैदर कर रहा है, और इससे फर्दर डेवलपमेंट ही हो रहा है. ये प्रिंट ही तो है, कैरिकेचर कार्टून क्या है, प्रिंट ही है, पेंटिंग क्या है, प्रिंट ही है. ये डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ प्रिंट, ये क्या है, डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ. बात समझ में आ रही है आप लोगों को? यस यस सर. ठीक है, याद रखिएगा. फिर नेक्स्ट है विमेन एंड प्रिंट, ठीक है. वी आर ऑलरेडी अवेयर ऑफ, ठीक है, हमने पढ़ा है 19th सेंचुरी में चिल्ड्रन, विमेन एंड वर्कर्स. अब क्या विमेन, अगर आप कहीं भी पढ़ो, चाहे वो आप यूरोप में पढ़ रहे हो, ठीक है, और चाहे वो इंडिया में पढ़ रहे हो, आपको मालूम है कि देयर इज अ कटिंग अक्रॉस डिफरेंसेस. कटिंग अक्रॉस है, डेमोक्रेसी डाइवर्सिटी पढ़ाया है ना, ओवरलैपिंग नहीं है, कटिंग अक्रॉस है ना. वेदर यू आर लिविंग इन दैट रीजन और इन दिस रीजन, देयर मस्ट बी अ सिमिलैरिटी. कटिंग अक्रॉस का मतलब क्या हुआ, यू विल बी ब्रिजिंग अप अ सिमिलैरिटी बिटवीन द टू अननोन ग्रुप्स, राइट. यस सर. यस, डिसिमिलर ग्रुप्स, डिफरेंट ग्रुप, ऐसे कह लो. So, women and print. Here in India also, as you know, the overall society is patriarchal. The entire globe is patriarchal, right? There are a few exceptions. We are not considering exceptions over here.
तो अब यहाँ पे देखोगे, यहाँ इंडिया में पीपल वेयर मोर ऑर्थोडॉक्स एंड एनीवेयर राइट हियर यू वी यूज्ड टू मींस आवर एंसेस्टर्स राइट यूज्ड टू प्रैक्टिस सती, ठीक है? तो इस ऑन दैट बेसिस आई एम सेइंग दिस. सो लाइव्स एंड फीलिंग ऑफ वेमेन बिगैन टू बी रिटन इन अ पर्टिकुलर विविड एंड इंटेंस वे. लोगों ने लिखना शुरू किया वेमेन पे, विमेन ने खुद अपने बारे में लिखना शुरू किया, विमेन ने पढ़ना शुरू किया, ठीक है? और जैसे जैसे वो पढ़ती गई, वो उन्होंने और ज्यादा उसको जो है कि अपने नॉलेज का एक्सपेंशन किया, लिखना उन्होंने भी शुरू किया, ऑटोबायोग्राफीज वगैरह लिखे. एंड इन द कोर्स ऑफ डूइंग सो सम लिबरल हस्बैंड्स वर ऑल्सो देयर, सम लिबरल हस्बैंड्स एंड फादर्स वेर ऑल्सो देयर हु वेयर मेकिंग देयर डॉटर्स देयर वाइव्स एजुकेटेड राइट. दे वर अलाउ मीन्स एट द सेम टाइम अलाउइंग देम टू यू नो गो फॉर रीडिंग, टू गो फॉर लर्निंग, स्कूल भेजना, ठीक है, सिटीज में उनको भेजना. तो इस तरीके से उनको मतलब फर्दर उनके डेवलपमेंट में हेल्प करना, ठीक है, एम्पावरमेंट में क्या करना, हेल्प करना, जो है कि उनका क्या था, मोटो था और वो करते थे, इसीलिए कुछ वेमेन्स क्या हो पाए, लिटरेट हो पाए. बात समझ में आ रही है बात आप लोगों को? यस यस सर और यस इस तरीके से धीरे धीरे फर्दर क्या हुआ, सोसाइटी में और भी वीमेन्स क्या होने लगे, लिटरेट होने लगे इन टुडेज टाइम आल्सो, इन मॉडर्न वर्ल्ड राइट, इन टुडेज सेंचुरी यू विल फाइंड स्टिल वीमेन्स आर लैगिंग बिहाइंड. वी आर ऑलरेडी अवेयर ऑफ द थिंग्स रिलेटेड टू वीमेन. व्हेन वी वर डिस्कसिंग जेंडर रिलीजन एंड कास्ट, वी हैड अ टॉपिक राइट, वी हैड अ लॉन्ग डिस्कशन ऑन दिस, what sort of change, what of sort of differences or division we can find in our society, how politics you know has a role to uplift women in society or overall upliftment of women in society, let me say in this way. Is it clear? Yes, sir. Yes, sir. So but we are here concerned with history, and you will find that many families were not liberal, some were liberal but many were not. Means majority of them were conservatives, right? So conservative Hindu used to believe that literating a girl would make her widow. ठीक है, हिंदू का मानना था कि अगर औरतें पढ़ेंगी तो विधवा हो जाएंगी, ठीक है? और मुस्लिम का मानना था कि अगर विमेन को एजुकेट करोगे तो वो करप्ट हो जाएंगे, राइट? तो ये इस तरीके की बिलीव थी, कंजर्वेटिव बिलीव, जो कि अर्लियर सोसाइटी में एग्जिस्ट करती थी. और कभी कदार तो कुछ वेमेन ऐसी हुआ करती थी, ऐसे प्रोहिबिशंस को वो क्या कर देती थी, डिफाई कर दिया करती थी, तोड़ दिया करती थी. तो एक एक इसका एग्जाम्पल है आपके पास, अ स्टोरी ऑफ अ गर्ल इन अ कंजर्वेटिव मुस्लिम फैमिली ऑफ नॉर्थ इंडिया हु सीक्रेटली लर्न टू रीड एंड राइट इन उर्दू. लिखना और पढ़ना सीखा किसमें, उर्दू में. उनके फैमिली लोग के मेंबर्स चाहते थे कि वो अरबिक कुरान, ठीक है, को पढ़े समझे, बट उसको समझ में नहीं आता था ये क्या है. ये वो चाहती थी कि वो वही लैंग्वेज पढ़े समझे जो उनका अपना है और जिसको अच्छे समझ रही है. ईस्ट बंगाल का एग्जाम्पल लिया गया अर्ली 19th सेंचुरी में, राजसुंदरी देवी, बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए, ठीक है? एक ऑर्थोडॉक्स हाउसहोल्ड में उनकी शादी हो गई, तो वो सीक्रेटली लर्न करती थी कहाँ पे, किचन में, खाना बनाते वक्त सीक्रेसी एक मेंटेन करते हुए किचन में पढ़ती थी. और बाद में उन्होंने अपना एक ऑटोबायोग्राफी लिखा, अमार जीबॉन, जो कि 1876 में क्या किया जाता है, पब्लिश किया जाता है. और ये पहली फुल लेंथ क्या है, ऑटोबायोग्राफी है बंगाली लैंग्वेज में. बात समझ में आ रही है? यस सर यस सर यस ये इंपॉर्टेंट है एनटीएससी के लिए, अमार जीवन ऑटोबायोग्राफी किसने लिखा है, ठीक है? फर्स्ट फुल लेंथ ऑटोबायोग्राफी कौन सी है बंगाली लैंग्वेज में, टाइम पीरियड क्या है, 1876, राइट? हम मुझे लगता है इतना सारा मैंने डिस्कशन कर दिया है कि अब अगर आप पैराग्राफ भी पढ़ रहे होंगे तो आप इजिली उसको डिकोड कर पा रहे होंगे कि क्या ओवरऑल चीजें यहाँ पे चल रही हैं, उसके पीछे का रीजन क्या है. एटलीस्ट रीजन तो सभी को क्लियर होना चाहिए. बताओ ऐसे रीजन का क्या रीजन हो सकता है? अरे पैट्रियार्की, यस वन ऑफ द मेन रीजन इज पैट्रियार्कल सोसाइटी,
ठीक है, इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? यस सर, यस सर। चलो चलो अब रीड करो, फिर फर्दर मैं एक्सप्लेन करूंगा। ओके सर। सर स्टार्टिंग से रीड करना है या फिर थर्ड पैराग्राफ विमेन एंड से? प्रिंट। ओके सर। वुमेन एंड प्रिंट। लाइव्स एंड फीलिंग्स ऑफ वुमेन बिगिन टू बी रिटन इन अ इन पर्टिकुलरली विविड एंड इंटेंस वेज। वुमेन्स रीडिंग देयर फॉर इंक्रीज इनॉर्मसली इन मिडिल क्लास होम्स। लिबरल हस्बैंड्स एंड फादर्स बिगिन एजुकेटिंग देयर वुमेन फोक एट होम एंड सेंड देम टू स्कूल्स व्हेन वुमेन्स स्कूल्स वर सेट अप इन सिटीज एंड टाउन्स आफ्टर द मिड 19th सेंचुरी। Many journals began carrying writings by women and explained why women should be educated. They also carried a syllabus and a task suitable reading matter which could be used for home-based schooling. But not all families were liberal. Conservative Hindus believed that a literate girl would be widowed, and Muslims feared that Underline all these things. Yes, sir. Educated women would be corrupted by reading Urdu romances. Sometimes rebel women defied such prohibition. We know that story of a girl in conservative Muslim family of North India who secretly learned to read and write in Urdu. Her family wanted her to read only the Arabic Quran, which she did not understand. So she insisted on learning to read a language that was her own. In East Bengal, in the early 19th century, Rashsundari Devi, a young married girl in a very orthodox household, learned to read in the secrecy of her kitchen. Later, she wrote her autobiography, Amar Jeevan, which was published in 1876. It was the first full-length autobiography published in the Bengali language. Since social reforms and novels had यहाँ तक already... सभी को क्लियर है ना? Yes, sir. Yes, sir. Since social reforms and novels had already created a great interest in women's lives and emotions, there was also an interest in what women would have to say about their own lives. From the 1860s, a few Bengali women like Kailash Bashini Devi wrote Underline. books. Yes, sir. Wrote books highlighting the experiences of women about how women were imprisoned at home, kept in ignorance, forced to do hard domestic labor, and treated unjustly by the very people they served. In the 1880s, in the present day Maharashtra, Tarabai Shinde and Very Panita important. Ramabai wrote with passionate anger about the miserable lives of upper caste Hindu women, especially widows. A woman in a Tamil novel expressed what reading meant to women who were so greatly confined by social regulations. For various reasons, my world is small. More than half my life's happiness has come from books. While Urdu Wait, Tamil. wait, wait. So here, what you understood that ki women ka apni jo life thi, wo greatly change होती है। It had a very means the books had a very great impact or a deep impact on the lives of women. ठीक है। और लोग जो है women का देखोगे आप तो 1860s से बाद ही women ने किताबें पढ़ना शुरू करना शुरू कर दिया था। literacy उनके बीच में बढ़ने लगी थी। कुछ women ऐसी आईं जिन्होंने अपने women जो है कि overall women की status के बारे में discussion किया। That about how women were imprisoned at home, in the very home in which they belong to. ठीक है, एक तरीके से कैसे वहाँ पे वो बंद हैं, ठीक है, kept in ignorance, ignore की जाती हैं, ठीक है, hard domestic work किए जाते हैं, labour की कराई जाती है, ठीक है, और जिसके लिए वो सब करते हैं, करती हैं, वही उनसे अच्छे से treat नहीं करते। ठीक है, ताराबाई शिंदे, पंडिता रमाबाई महाराष्ट्र के, ठीक है, इन्होंने अपने जो है कि ओवरऑल एक एंगर शो किया है कि किस तरीके से इवन दे आर फ्रॉम अपर कास्ट हिंदू, राइट, हाउ वेमेन आर ट्रीटेड बैडली, स्पेशली इफ दे आर वीडोज। अगर गलती से वीडोज हो गई तो उनकी लाइफ कितनी मिजरेबल बन जाती थी। ठीक है, और एक जो है तमिल वेमेन ने, वेमेन इन अ तमिल नोवेल, उन्होंने एक्सप्रेस किया, ठीक है, एक्सप्रेस्ड व्हाट रीडिंग मीन टू वेमेन। उन्होंने बताया कि अगर वेमेन इज वेमेन, इफ वेमेन पर्टिकुलर वी आई एम टॉकिंग अबाउट ऑल द वेमेन्स, राइट, वेमेन आर इफ रीडिंग अ बुक, इट मीन्स अ लॉट फॉर देम, राइट। कहती हैं फॉर वेरियस रीजन माई वर्ल्ड इज स्मॉल, बहुत कारण है जिसके जिसके थ्रू हम ये कह दें कि मेरी जो दुनिया है वो बहुत छोटी है।
और मेरी दुनिया में आधे से ज्यादा खुशी किताबें पढ़ के आई है। बात समझ में आ रही है आप लोगों को? यस सर। अब उर्दू, तमिल, बंगाली, मराठी प्रिंट, ठीक है, प्रिंट क्या हो रही है, डेवलप हो रही है। और हिंदी प्रिंटिंग सीरियसली 1870s से शुरू हुआ, ठीक है। और अब जब ये सारी चीजें होने लगी और उसमें से देखोगे तो जो लार्ज सेगमेंट था वो वेमेन के एजुकेशन पे क्या हो गया, डेवलप हो गया, ठीक। तो इन द अर्ली 20th सेंचुरी जर्नल्स रिटन फॉर एंड समटाइम्स एडिटेड बाय वेमेन बिकेम एक्सट्रीमली पॉपुलर। दे डिस्कस्ड इशूज लाइक वेमेन एजुकेशन, विडोहुड, विडो रीमैरिज एंड द नेशनल मूवमेंट, ठीक है। तो उन्होंने क्या करना शुरू किया, दे डिस्कस्ड अबाउट द होलिस्टिक डेवलपमेंट ऑफ वेमेन, देयर एजुकेशन, देयर विडोहुड, राइट। मीन्स दे यूज टू क्रिटिसाइज वॉट इज एविल, राइट। Some of them offered household and fashion lessons to women, to brought entertainment through short stories and serialized novel. So, ek ye bhi tarika tha. Means on different domains, women used to write about the women's. Right. Here is a pick. You know, actually board mein ke liye bahut important hai. Ek baar aaya bhi hai board mein. Kya hai? What is the what written over here? The end of the world. Ghor khali. Right. The artist's vision of the destruction of a proper family relation. Here, the husband is totally dominated by his wife, who is perched on his shoulder. The wife kya hai? Husband ke shoulder pe baithi hui hai. And he is cruel. The man became cruel towards his mother, dragging her like an animal by the noose. Right? Can you see this? Yes, sir. So at the same time, yes. This is also the truth. ठीक है। So in Punjab में देखोगे, too a similar folk literature was widely printed. ठीक है, क्या था? राम चड्ढा ने एक fast selling किताब लिखी, स्त्री धर्म धर्म विचार। ठीक है, क्या था उसका नाम? स्त्री धर्म विचार, to teach women how to be obedient wives, right? Was the ultimate. You know, knowledge means thing was written in that book, right? Or the print. Aur fir uske baad the Khalsa Tract Society published cheap booklets with a similar message. Khalsa Tract Society bhi usi tarike ka booklet jo hai, usi objective pe ek booklet tayar karti hai. That how to talk means how women should talk, right? What sort of you know good things a women should have. बंगाल में एक एरिया था कैलकटा में, बाटला, बाटला, राइट। ये प्रिंटिंग के लिए ही क्या हो गया, फेमस हो गया। जैसे आपने ईडो का नाम सुना था, संगाई, ईडो, यस सर, टोक्यो। तो कैलकटा में बाटला है जो कि फेमस हुआ पॉपुलर बुक से। यहां पे देखोगे कि जो है हर डोमेन की किताबें बिक रही हैं, लिटरेचर, रिलीजियस ट्रैक्स, ठीक है, स्कैंडलस, ऑब्सीन्स, मतलब हर तरह की किताबें यहाँ पे देखी जा रही हैं, ठीक है। और जो है प्रॉपर तरीके से किताबें यहाँ पे सेल भी की जाती हैं पेडलर्स के द्वारा, घरों घरों तक जाके विमेन्स को देना, ठीक है, या फिर डिफरेंट लोगों को बेचना। उनका क्या था काम, अब विमेन ज्यादातर खरीदती थी क्योंकि उनके लेजर के लिए एक सबसे बढ़िया क्या हो गया था, तरीका हो गया था, ठीक है। आज के डेट में देखो तो लोगों के पास क्या है, किताबें पढ़ते हैं, अगर विमेन की बात की जाए, मोबाइल, मोबाइल है, मोबाइल से चीजें जो है सॉल्व हो जा रही है, राइट। मतलब पब्लिक एट लार्ज ही देखो, अगर विमेन का ही केस छोड़ देते हैं, पब्लिक एट लार्ज ही देखे तो बुक्स आज के डेट में कोई नहीं पढ़ता, ठीक है, कम हो गया। बट एट द सेम टाइम जब आप मोबाइल पे देख रहे हो तो वो प्रिंट कहीं तो उसमें भी तो प्रिंट ही है क्या, राइट? नॉलेज एक्सेस करना। आई होप दिस मैच इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। यस सर। यस सर। ओके, कंप्लीट इट आउट। अर्नो, स्टार्ट फ्रॉम हियर। यस सर।
सर इन पंजाब टू फ्रॉम हियर. इन अर्ली 20th सेंचुरी. ओके सर. इन द अर्ली 20th सेंचुरी जर्नल्स रिटन फॉर एंड समटाइम्स एडिटेड बाय वुमेन बिकेम एक्सट्रीमली पॉपुलर. दे डिस्कस्ड इश्यूज लाइक वुमेन्स एजुकेशन, विडोहुड, विडो रीमैरिज एंड द नेशनल मूवमेंट. Some of them offered household and fashion lessons to women and brought entertainment through short stories and serialized novels. In Punjab too, a similar folk literature was widely printed from the early 20th century. Ram Chadda published the fast-selling Stri Dharm Vichar to teach women how to be obedient wives. The Khalsa Tract Society published cheap booklets with a similar message. Many of these were in the form of dialogues about the qualities of a good woman. In Bengal, an entire area in central Calcutta, the Batala, was devoted to the printing of popular books. Here you would buy cheap editions of religious tracts and scriptures as well as literature that was considered obscene and scandalous. By the late 19th century, a lot of these books were being profusely illustrated with woodcuts and colored lithographs. Peddlers took the Batala publication to homes, enabling women to read them in their leisure time. Is it clear to all of you? Yes, sir. चलो ठीक. अब प्रिंट एंड द पुअर पीपल. तो हम लोगों ने जैसे यूरोप के केस में पढ़ा, क्या पढ़ा हम लोगों ने? हम लोगों ने चिल्ड्रन के बारे में पढ़ा, वेमेन के बारे में और वर्कर्स के बारे में. तो यहाँ पे इंडिया के केस में हमने वेमेन का केस पढ़ लिया, ठीक है. वहां पे हमने ब्रॉन्टे सिस्टर्स के बारे में पढ़ा, जेन ऑस्टिन के बारे में पढ़ा और जॉर्ज एलियट के बारे में पढ़ा. यहाँ पे हमने राजसुंदरी देवी के बारे में पढ़ा, पंडिता रामाबाई के बारे में पढ़ा और ताराबाई शिंदे के बारे में पढ़ा. पढ़ा या नहीं पढ़ा? यस सर. यस सर. ठीक है. अब यहाँ पे पुअर पीपल, पुअर पीपल में आप क्या समझते हो, किसके लिए ज्यादा डिस्कशन होगा? दलित्स के लिए. किसके लिए होगा? दलित. दलित्स के लिए, एससी के लिए, ठीक है. क्योंकि जेंडर और रिलीजन और कास्ट यही तो बर्निंग इशू है इंडिया का, ठीक है, पर्टिकुलरली रिलीजन एंड कास्ट, ठीक है. तो वेरी चीप स्मॉल बुक्स वेयर ब्रॉट टू मार्केट इन 19th सेंचुरी. मद्रास टाउन्स एंड सोल्ड एट क्रॉस रोड्स अलाउइंग पुअर पीपल ट्रैवलिंग टू मार्केट टू बाय देम, ठीक है. तो मद्रास के टाउन में देखो तो बड़े पैमाने पे क्या हो रहे थे, किताबें बिक रही थी, लोग खरीद रहे थे. पुअर, इवन पुअर पीपल वर एबल टू बाय बुक्स. पब्लिक लाइब्रेरीज भी सेटअप किए जाते हैं, राइट, कि लोग जाएं और बैठ के किताबों को पढ़ें. और ये लाइब्रेरी सिटीज टाउन्स में हुआ करती थी, ठीक है. जो बहुत पैसे वाले हुआ करते थे लोग, वो इस तरह की लाइब्रेरी बनवाया करते थे और सबके लिए अलाउ कर देते थे कि आप जाके वहां पे बैठकर किताबें इशू कराकर पढ़ सकते हैं, ठीक है. और उस समय लाइब्रेरी जो है कि सेटअप कराना एक तरह का प्रेस्टीज माना जाता था, कि दैट दिस पर्सन इज अ वेरी प्रेस्टीजियस पर्सन, ही हैज बिल्ड अप अ लाइब्रेरी फॉर द सोसाइटी. मैं चाहता हूँ लाइब्रेरी बिल्डअप कर रहे हो सोसाइटी में, अगर एस्टैब्लिश कर रहे हो सोसाइटी में और बहुत सारी किताबें हैं, तो सोचो कितना नॉलेज आपने लोगों को क्या कर दिया, कितना नॉलेज एक्वायर करने का मौका आपने दे दिया लोगों को. एंड इट ऑफ कोर्स इट वाज अ मैटर ऑफ प्रेस्टीज व्हेन समवन यूज्ड टू बिल्ड अप अ लाइब्रेरी. सो फ्रॉम द लेट 19th सेंचुरी इश्यूज ऑफ कास्ट डिस्क्रिमिनेशन बिगैन टू बी रिटन अबाउट इन मेनी प्रिंटेड ट्रैक्ट्स. अलग अलग प्रिंटेड ट्रैक्ट्स में जो है कि क्या होने लगे, कास्ट डिस्क्रिमिनेशन के ऊपर लिखे जाने लगे. एंड वन ऑफ द प्रोमिनेंट फिगर वॉज ज्योतिबा फूले. पढ़ा इनके बारे में आपने, जेंडर रिलीजन कास्ट में? यस सर. यस सर. ठीक है. एंड ही रोट अ बुक, अभी हम लोग पढ़ेंगे, द मराठा पायनियर लो कास्ट प्रोटेस्ट मूवमेंट, ठीक है. ही वॉज अ मराठा पायनियर ऑफ लो कास्ट प्रोटेस्ट मूवमेंट एंड रोट अबाउट द इनजस्टिस ऑफ कास्ट सिस्टम इन हिज बुक गुलामगिरी. गुलामगिरी में उन्होंने इसके बारे में लिखा है. ही वॉज द ऑथर ऑफ गुलामगिरी, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर NTSC एग्जामिनेशन. अगेन, हु वॉज द ऑथर ऑफ, हु रोट गुलामगिरी? सो इट वॉज ज्योतिबा फुले. देन B.R. अम्बेडकर फ्रॉम इन महाराष्ट्र. देन E.V. रामास्वामी नाइकर इन मद्रास. ही वॉज नोन एज पेरियार. दिस इज ऑल्सो अ क्वेश्चन विच हैज बीन आस्क्ड इन NTSC एग्जामिनेशन. पेरियार वॉज द नेम गिवन टू
ईवी रामास्वामी नायकर ऑफ मद्रास और इन मद्रास. सो दीज प्रोमिनेंट पीपल यूज टू कंडेम दिस कास्ट सिस्टम इन इंडिया एंड दे हैड रोड एक्सटेंसिवली ऑन कास्ट सिस्टम. एंड यू आर वेरी मच अवेयर व्हाट प्रोमिनेंट रोल बी आर अम्बेडकर हैज प्लेड इन ब्रिंगिंग आउट अपलिफ्टमेंट इन कास्ट सिस्टम. Right? Have you ever heard of him? Yes, sir. Yes, sir. You must have studied in the nationalism in India also, that how he was looking for a separate electorate for Dalits. And Mahatma Gandhi said that if it is being done, right, he will go for fast unto death. Right? His death is fixed. He will be, you know, he will not like to live anymore. And then a Pune Pact was signed between B.R. Ambedkar and Mahatma Gandhi in September 1932, right, where yes, it was concluded that yes, they will go for a single electorate only, there will be no more separate electorate. And B.R. Ambedkar was awarded communal award also, right? Earlier he was awarded communal award, right, and Gandhiji said no, this cannot be done, the overall policy of divide and rule should not sustain. Already Muslim has a separate electorate, right? They have already divided the society. Who? The Britishes. बात समझ में आ रही है आप लोगों को? Yes, sir. Yes. ठीक है. Local protest movements and sects also created a lot of popular journals, tracts, ancient. Okay. Yeah. So okay. Next one is workers. We discussed about the caste. अब workers के बारे में देखते हैं. फैक्ट्रीज में भी वर्कर्स थे. वर्कर्स अगर हैं तो यू मस्ट बी अवेयर ऑफ दैट हाउ वर्कर्स विल बी व्हाट सॉर्ट ऑफ ग्रीवेंसेस दे शुड हैव, राइट? दे विल से दैट ओके, देयर वर्किंग आवर्स आर लॉन्ग, देयर वेजेस आर लेस, राइट? दीज आर द थिंग्स दिस व्हिच दे विल यूज टू से दैट दे आर फेसिंग प्रॉब्लम विद. ठीक है. सो काशी बाबा अ कानपुर मिल वर्कर, इन्होंने क्या किया, पब्लिश किया छोटे और बड़े का हिसाब, सॉरी छोटे और बड़े का सवाल 1938 में. ये क्या दिखाना चाहते थे, कास्ट और क्लास एक्सप्लॉयटेशन किस तरीके से लिंक्ड है, जिस तरीके से कास्ट को एक्सप्लॉयट किया जाता है उसी तरीके से क्लास, वर्किंग क्लास को भी एक्सप्लॉयट किया जाता है. देयर इज अ लिंक बिटवीन देम. छोटे और बड़े का सवाल. एक और कानपुर मिल वर्कर है, इन्होंने अपन जो है सुदर्शन चक्र के नाम से, ठीक है, क्या किया, लिखा एक्सटेंसिवली बिटवीन 1935 और 1955, और उस सभी को एक साथ जब लाया गया, ठीक है, उसको कलेक्टिवली बोला गया सच्ची कविताएं. क्या नाम दिया गया उसको, सच्ची कविताएं. बात समझ में आ रही है आप लोगों को? यस सर. यस सर. फिर उसी तरीके से बैंगलोर में कॉटन मिल वर्कर्स ने क्या किया, लाइब्रेरीज वगैरह जो है establish की लोगों को educate करने के लिए, right? So these were the things, these were the reforms which were brought out, right, during the course of time. ठीक है, social reformers वगैरह ने, they had played a significant role, right, with the help of print, they brought out the changes in society, the social changes which they were looking for. ठीक है. कुछ सोशल रिफॉर्मर्स ने बताया कि ड्रिंकिंग हैबिट इज नॉट अ गुड थिंग, लिटरेसी रेट जो है कि अपलिफ्ट बढ़ाना चाहिए, ठीक है, नेशनलिज्म की आइडियोलॉजी को ओवरऑल प्रमोट किया गया. सो दिस आर द थिंग्स व्हिच दे हैव डिसिमिनेटेड विद द हेल्प ऑफ प्रिंट. आई होप दिस मच इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू. यस सर. यस सर. यस सर. ठीक है. नाउ मनोज, यू रीड दिस आउट. Very cheap small books were brought to markets in the 19th century. Madras towns and sold at crossroads, allowing poor people traveling to markets to buy them. Public libraries were sent up from the early 20th century, expanding the access to the books. These libraries were located mostly in the cities and towns, and at times in prosperous villages for rich local patrons. Setting up a library was a way of acquiring prestige. From the late 19th century, issue of caste discrimination began to be written about in many printing tracts and essays. Jyotiba Phule, the Maratha pioneer of low caste protest movements, wrote about the injustice of the caste system
in his gulamgiri in the 20th century B.R. Ambedkar in the Maharashtra and E.V. Ramaswamy Naikar in the Madras, better known as Periyar, wrote powerful on caste and their writing were read by people all over India. Local protest movement and sects also created a lot of popular journal and tract criticizing ancient scriptures and invoicing the new and just future. Workers in the factories were too overworked and lacked the education to the right much their experience. But Kashi Baba, a Kanpur mill worker, wrote a published Chote aur Badke ka Sawal in 1938 to show the link between caste and class exploitation. The poem of another. I think there is a disturbance at your end. Right, wait for a while. Someone else I would like to, you know, say that he or she should continue. So I think Zaid Saurabh. Is he there? Sir, can I read? Yes, you read. Workers in factories were too overworked and lacked the education to write much about their experiences. But Kashi Bala, a Kanpur mill worker, wrote and published Chote aur Bade ka Sawal in 1938 to show the links between caste and class exploitation. The poems of another Kanpur mill worker, Purwar under the name of Sudhar Chand Chakra between 1935 and 1955, were brought together and published in a collection called Sachi Kavitaen. By the 1930s, Bangalore cotton mill workers set up liberals to educate. Where you were? Let me find this out. Bangalore cotton mill workers, right? Yes, sir. Set up. Sir, वो arrow था उधर. उधर आपका pen tunnelly देख नहीं पाया. Okay, okay. Fine. Set up liberals to educate themselves, following the example of Bombay workers. These were sponsored by social reforms who tried to restrict excessive drinking among them to bring literacy and sometimes to propagate the message of nationalism. I hope this is this overall paragraphs are clear to all of you. Yes, sir. Now the next one is print and censorship. So print is a way of, you know, giving out knowledge. Dissemination of knowledge is due to print. Okay, so if print is there, it means there will be a danger, right? And if the country is not democratic, then definitely there will be a danger, right? So censorship is a very necessary thing which must be brought out. So क्या होता है? 1798 से पहले जो colonial state था, ठीक है, जो ईस्ट इंडिया कंपनी के अंदर, ठीक है, दे आर बहुत ज्यादा कंसर्न, दे वर नॉट टू मच कंसर्न ऑफ दिस सेंसरशिप. 1798, माइंड इट, द टाइम पीरियड इज 1798, राइट? अभी तो आए ही हैं 1757, 1764, बैटल ऑफ प्लासी, बक्सर, जानते हो आप लोग? यस सर. एंड आफ्टर बक्सर दे विल यू नो एनहांस देयर ग्रिप. तो 98 तक तो ठीक है, अभी तक तो नहीं जो है कुछ दिक्कत, बट आफ्टर दैट they will have problem. ठीक है. Englishmen in India who were critical of company misrule. So there were people who were concerned that there is a company is not ruling in a just way. ठीक है. And you know, people used to say that these people, the actions of the officials are not good. The company was worried that such criticism might be used by its critics in England to attack its trade monopoly in India. So there were some Englishmen also, apart from, though Indian were also aware of it, and some Englishmen were also aware of it, that okay, these English, this India, East India Company, jisko ke kya mil gaya, charter mil gaya tha, aapko malum hai, Elizabeth se charter inko mil gaya tha. Yes, that yes, sir. The only one who will be ruling out from this India, England. Means ruling out means will do business actually. Yes. Right. East India Company को मिल गया था. तो अब यहाँ पे वो कंपनी को डर लगता है कि हम जैसे यहाँ पे रूल कर रहे हैं, ठीक है,
तो इस रूल के बारे में अगर इंग्लैंड में पता लगेगा तो लोग हमें जो है क्रिटिसाइज करेंगे, और जो है कि हमारी मोनोपोली जो है इंडिया में ट्रेड करने की वो खत्म हो सकती है। मैंने आप लोगों को क्या ये कॉन्सेप्ट डेवलप किया है कि जो रूल है अल्टीमेटली किसका होता है? मल्टीनेशनल कंपनीज का होता है, ऐसा बताया मैंने कभी? यस बताएं। यस सर। ठीक है, आज के डेट में भी वैसा ही होता है, पहले भी यस वैसा ही सर। होता था। ठीक है, अब ये कंपनी देखो रूल कर ही रही है ना इंडिया में। ठीक है, एम क्या था? ट्रेड, प्रॉफिट, ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट। आज के डेट में थोड़ा बैलेंस्ड है, आपको लगता है कि आपके पास राइट्स हैं, ठीक है, आप थोड़े जो है कि ओपन थोड़ा फील करते हो, बहुत ज्यादा एक्सप्लॉटेशन नहीं है, एक बैलेंस वे में चल रहा है सारा कुछ, बट अभी भी प्रॉफिट जनरेट होता है। और वो लार्ज सेक्शन किसको मिलता है? 2% ऑफ द वर्ल्ड्स पॉपुलेशन। कहीं पढ़ा है, इमेज वगैरह कहीं देखा है? पिज्जा जैसा है कुछ, यस सर। फ्राइड फ्राइड यस खा रहे हैं। सर। ठीक है, फॉर आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी में था ये। हाँ। सो बाय द 1820s द कैलकटा सुप्रीम कोर्ट पास सर्टेन रेगुलेशन टू कंट्रोल प्रेस। 1820 में कैलकटा सुप्रीम कोर्ट प्रेस को कंट्रोल करने की कोशिश करती है। ठीक है, तो कंपनी चाहती थी ऐसे ही न्यूज़पेपर बने, ऐसे ही न्यूज़पेपर पब्लिश हो एक्चुअली, जो कि ब्रिटिश रूल को फ्लरिश करे। दैट ब्रिटिशर्स इफ दे आर रूलिंग ओवर हियर देयर इज नथिंग टू फियर, राइट। और फिर उसके बाद धीरे धीरे 1835 में पेटिशंस डाले गए एडिटर्स ऑफ इंग्लिश के, ठीक है, कि थोड़े प्रेस लॉज जो हैं उसमें थोड़े चेंजेस लाए जाएं। और उस समय जो गवर्नर जनरल बेंटिक थे, लॉर्ड विलियम बेंटिक, ठीक है, ही वॉज द फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। रुको रुको, फादर ऑफ, फाइंड आउट हाउ बाय विच नेम ही यूज्ड टू कॉल्ड अपॉन लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, आई थिंक रिपॉन है। ठीक है, बेंटिक को क्या बुलाया जाता था? ठीक है, लॉर्ड विलियम बेंटिक को क्या बुलाया जाता था, ये फाइंड कर लेना, राइट। ही वॉज अ ग्रेट सोशल रिफॉर्मर, राइट। लॉर्ड विलियम बेंटिक ने विद्या अपने विडो रिमैरिज को क्या किया था? लीगलाइज किया था। ईश्वर चंद्र विद्यासागर, नाम सुना है आपने? यस सर। यस सर। ठीक है, सो ही डिड अ मल्टीपल रिफॉर्म्स इन इंडिया, राइट। तो आगे देखते हैं फिर इसके बाद नेक्स्ट क्या है। थॉमस मैकुले, इन्होंने कहा इंग्लिश एजुकेशन इंडिया में होना चाहिए। ही वॉज अ लिबरल कॉलोनियल ऑफिशियल, फॉर्मुलेटेड न्यू रूल्स दैट रीस्टोर्ड द अर्लियर फ्रीडम। कुछ नया लॉ बनाए जो कि अर्लियर फ्रीडम को रिस्टोर करने की कोशिश की गई, ठीक है, और थोड़ा एक्सटेंड में किया भी गया। बट जैसे ही 1857 का रिवॉल्ट होता है, कंपनी का जो ओवरऑल वे ऑफ वर्किंग था वही चेंज हो गया। और हम जानते हैं क्वींस प्रोक्लामेशन आया 1 नवंबर 1858 को। अब गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया के जगह अब क्या हो गए? वॉइस रॉय हो गए, SOS आ गए। हु वॉज द फर्स्ट SOS इन इंडिया? आप लोगों का तो सोशल बहुत ही वीक है। सेक्रेटरी ऑफ स्टेट पहला कौन थे? नहीं मालूम है तो फाइंड करो। ठीक है, स्टैनली थे। ठीक है, लिख लो अगर नहीं जानते हो तो। अगर यूपी में हो और तैयारी कर रहे हो NTSC की तो ये सारी चीजें जानो। ठीक है, द एटीट्यूड टू फ्रीडम ऑफ द प्रेस चेंज्ड। इनरेज्ड इंग्लिश मैन डिमांडेड अ क्लैम्प डाउन ऑन द नेटिव प्रेस। तो गुस्से में जो इंग्लिश मैन थे उन्होंने कहा कि जो प्रेस है उसको बंद करो, ये 1857 का रिवॉल्ट इज ड्यू टू द प्रेस, सेंसरशिप लॉ। ठीक है, लोग जो है न्यूज़पेपर के थ्रू लोगों के मन में क्या डाल रहे हैं? नेशनलिस्ट की भावनाएं डाल रहे हैं, ठीक है, कॉलोनियल गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज कर रहे हैं, और इसी वजह से ये 1857 का रिवॉल्ट हुआ है। तो 1878 में लॉर्ड लिटन, LYTTON, लिटन ने वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट लेकर आए, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर NTSC एग्जामिनेशन। ठीक है, क्या लेके आए? वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट। समझ में आ रही है बात? यस सर। कोई डाउट किसी को? नेक्स्ट,
ये अब क्या है वर्नाविलर प्रेस एक्ट, ये इरिश प्रेस लॉस पे जो है बेस्ड था, ये याद रखिएगा, क्योंकि वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट जो इंडिया में आया था वो किस पे बेस्ड था, मॉडल्ड ऑन इरिश प्रेस लॉस। इट प्रोवाइडेड द गवर्नमेंट विद एक्सटेंसिव राइट टू सेंसरशिप, ठीक है, टू सेंसर रिपोर्ट्स एडिटोरियल्स इन द वर्नाक्युलर प्रेस। तो वर्नाक्युलर प्रेस में जो भी रिपोर्ट्स एडिटोरियल लिखे जा रहे हैं उसको क्या कर दो, प्रेस कर। और गवर्नमेंट हमेशा देखा करती थी कि किस पेपर में गवर्नमेंट के खिलाफ क्या लिखा गया है, ठीक है, और कोई भी गवर्नमेंट के खिलाफ जाता था उनके ऊपर सेडिशन का क्या लग जाता था, चार्ज लग जाता था, दैट यू आर गोइंग अगेंस्ट द एस्टैब्लिश्ड गवर्नमेंट, देशद्रोह। सेडिशन जानते हो ना, राजद्रोह, देशद्रोह। यस सर। न्यूज़पेपर को वार्न किया जाता था और फिर भी अगर वार्निंग इग्नोर कर दी जाती थी तो पूरे ही न्यूज़पेपर को क्या किया जाता, प्रेस को ही पूरा सीज कर दिया जाता था और जितनी भी मशीनें हैं सबको जब्त कर लिया जाता था। इज दिस क्लियर टू ऑल ऑफ यू? यस सर। यस सर। इज देयर कोई डाउट, एनी डाउट एनीवन हैज? ठीक है। फिर भी लोगों ने इतने मेजर्स, रिप्रेसिव मेजर्स होने के बावजूद भी जो न्यूज़पेपर थे वो बढ़ ही रहे थे दिन पे दिन, दे वर एवर ग्रोइंग, राइट। वो लिखते थे दैट हाउ कॉलोनियल मिस रूल इज गोइंग ऑन इन इंडिया, गोइंग इन इंडिया, ठीक है, और अटेम्प्ट्स टू थ्रॉटल नेशनलिस्ट क्रिटिसिज्म प्रोवोक मिलिटेंट प्रोटेस्ट। नेशनलिस्ट को अगर डराया धमकाया जाता था, जो है कि उनको दबाने की कोशिश किया जाता था, ठीक है, तो लोगों के अंदर मिलिटेंट जो है प्रोटेस्ट की भावना फिर क्या होती थी, उभर के आती थी, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे एक पॉइंट ये भी है कि जो नेशनलिस्ट थे, क्योंकि वो उनका एक ज्यादा क्या है, वाइडर प्रेजेंस है, वाइडर एक्सेप्टेंस है, और जब वो ज्यादा से ज्यादा बातें लिख रहे हैं और पीपल जो है कंपनी को क्रिटिसाइज कर रहे हैं, ठीक है, तो कंपनी को क्रिटिसाइज जब करते हैं तो कंपनी के क्रिटिसिज्म को जब लोग पढ़ते हैं, समझते हैं, तो डिसाइड करते हैं कि दैट दे आर गोइंग फॉर अ प्रोटेस्ट, दे विल गो फॉर अ प्रोटेस्ट। और उसमें से अगर एट द सेम टाइम किसी भी नेशनल लीडर के साथ कुछ मिसबिहेव होता था, चाहे वो गांधी जी हो, चाहे अब्दुल गफार खान हो, कोई भी हो, सैफुद्दीन खिचू हो, जानते हो इन सब का नाम, सुना है नेशनलिज्म इन इंडिया में? यस सर। सत्यपाल मलिक हो, ठीक है, अगर कोई प्रोमिनेंट नेशनलिस्ट लीडर के साथ अगर कुछ मिसबिहेव किया गया तो प्रोटेस्ट और भी ज्यादा क्या हो जाता था, बढ़ जाता था, वायलेंट हो जाता था। आपने पढ़ा है पेशावर में बॉम्बार्डिंग होती है, शोलापुर में होता है, ठीक है, आर्मर्ड कार वगैरह, ऐसा कुछ पढ़ा है नेशनलिज्म इंडिया में? यस सर। यस सर। इवन जलियांवाला बाग इंसिडेंट जो हुआ था, वो दो लोग है जो है कि अरेस्ट हुए थे, सत्यपाल मलिक और सैफुद्दीन खिचू। यस सर। ठीक है, तो लोगों ने क्या किया, मिलिटेंट प्रोटेस्ट। दिस इन टर्न लेड टू अ रिन्यूड साइकिल ऑफ प्रोसिक्यूशन एंड प्रोटेस्ट, ठीक है, तो लोगों को प्रोसिक्यूट किया जाता था, ठीक है, एक नया साइकिल एक्चुअली स्टार्ट होता था प्रोसिक्यूशन का और प्रोटेस्ट का, जब ऐसी कोई बात होती थी, और लोगों को रेवोल्यूशनराइज करने में लीडर्स का बहुत बड़ा रोल था, नेशनलिस्ट का बहुत बड़ा रोल था, ठीक है। व्हेन पंजाब रेवोल्यूशनरीज वेर डिपोर्टेड इन 1907, ठीक है, कुछ रेवोल्यूशनरीज के, पंजाब के रेवोल्यूशनरीज को जब डिपोर्ट किया गया 1907 में, बाल गंगाधर तिलक ने उनके सपोर्ट में एक्सटेंसिवली लिखा इन हिज केसरी मैगजीन, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जामिनेशन, एनटीएससी में पूछे जाने के बहुत चांसेस है, केसरी मैगजीन। दिस लेड टू हिज इम्प्रिजनमेंट इन 1908, जिसकी वजह से उनको जेल जाना पड़ा, और जैसे ही वो जेल जाएंगे प्रोवोकिंग इन टर्न वाइड स्प्रेड प्रोटेस्ट ऑल ओवर इंडिया, क्योंकि वो कौन है, बाल गंगाधर तिलक, ठीक है, कौन है, बाल गंगाधर तिलक। Is it clear? Yes, sir. Yes, sir. कोई डाउट किसी को? Any doubt anyone has? No, sir. तो हम लोग लगभग जो है सारा कुछ पढ़ते हुए
जो एटलीस्ट मेन कंटेंट है वो तो सारा कंप्लीट ही हो गया है, राइट? एक एक चीज को डिस्कस किया गया, इजंट इट? यस सर। तो अब नाउ आफ्टर डिस्कसिंग दिस चैप्टर, अब इसमें रह क्या गया? इमेजेस रह गए, आप सोर्सेज रह गए, और एनटीएससी सोर्सेज आर आल्सो इम्पोर्टेंट। इफ यू हैव अ यू विल गो थ्रू दीज सोर्सेज एंड इफ यू विल हैव अ डाउट इन दीज सोर्सेज यू विल लेट मी नो, राइट? यस सर। यस सर। यस सर। ठीक है। आफ्टर दिस वी हैव कंप्लीटेड प्रिंट कल्चर एंड यू मस्ट बी अवेयर ऑफ नेशनलिज्म इन इंडिया, ठीक है? फिर आपने पढ़ा होगा राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप, फिर उसके बाद क्या है, मेकिंग ऑफ ग्लोबल वर्ल्ड, द एज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन, लॉट ऑफ चैप्टर्स हैज बीन डन, ठीक है? अब इसके अलावा और क्या आ सकता है? आई थिंक नेशनलिस्ट मूवमेंट इन इंडो चाइना भी आप लोगों ने किया होगा, यह है? नो सर, अभी नहीं हुआ। नो सर। तो नेशनलिस्ट नेशनलिस्ट मूवमेंट इन इंडो चाइना आई थिंक बुक में भी नहीं अवेलेबल है इस समय के, एनसीईआरटी के। पुराने बुक है सभी के पास? यस सर। नहीं। यस सर। पुराने बुक है आप लोगों के पास? नो यस सर। है। नो सर। नो सर। ठीक है। तो नेशनलिस्ट मूवमेंट इन इंडो चाइना भी देख लेना पुराने बुक से। अब उसमें देखना क्या है कि किस तरीके से इंडो चाइना में जो है कि क्या होता है, नेशनलिज्म की भावना डेवलप होती है, ठीक है? किस तरीके से यूएसए का इन्वॉल्वमेंट होने के बावजूद भी, ठीक है, वियतनाम एक छोटी कंट्री उसको उससे फाइट करती है और यूएसए को हारना पड़ता है। हारना एक तरीके का हार ही था, क्योंकि जब आप किसी एक छोटे बच्चे को पीट रहे हो और वो छोटा बच्चा हमेशा रेजिस्ट किए जा रहा है आपसे, आपकी पिटाई से उसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा, तो और आप फिर जो है कहते हो चलो ठीक है समझौता कर लो, तो ये क्या है, आपकी जीत है या हार है? सर हार होगी। हार है सर। हार होगी। तो वियतनाम के केस में भी ऐसा ही था। यूएसए जो लीडर है वर्ल्ड का, कहते हैं आप मानते हैं अपने आप को, ठीक है, और सुपर पावर भी है भी, तो उनके सामने वियतनाम वालों ने घुटने नहीं टेके थे, ठीक है? इतनी ज्यादा इतनी स्ट्रॉन्ग नेशनलिस्ट की भावना थी कि यूएसए को ही सरेंडर उल्टा करना पड़ा। अब ये जो है कि क्या क्या इंसिडेंट्स हुए थे वहां पे, फ्रेंच पीपल वहां पे आके एस्टेब्लिश हो गए, वहां के कल्चर को चेंज करने लगे, वहां के सोसाइटी को चेंज करने लगे, वहां पे एजुकेशन को जो है कि इम्पार्ट करने लगे, ठीक है? तो अब जैसे ही एजुकेशनल सोशल इकोनॉमिकल पॉलिटिकल चेंजेस आने शुरू होते हैं, तो क्या लोग क्या वहां के लोग उस चीज को एक्सेप्ट कर पाएंगे इजिली? नो सर। तो वो एक्सेप्ट नहीं कर पाएंगे, ठीक है? साथ ही साथ जब उनके रिलीजन के ऊपर क्वेश्चन मार्क उठने लगे, जब उनके ओवरऑल कल्चर के ऊपर क्वेश्चन मार्क उठने लगेगा, तब ऐसी भावना उनके मन में आएगी, और जब ऐसी भावना आती है तो नेशनलिज्म जो है कि नेशनलिज्म उनके यहाँ उनके अंदर डेवलप होता है, और फिर मेन विमेन जितने भी लोग होते हैं सब पार्टिसिपेट करते हैं एंथुजियास्टिकली, और अल्टीमेटली जब आप एंड पढ़ोगे तो इसमें यही देखोगे कि कैसे सभी लोग मिलकर, ठीक है, रेजिस्ट करते हैं यूएसए का और यूएसए को हारना पड़ता है। बहुत इंटरेस्टिंग है एक्चुअली, ठीक है, और इम्पोर्टेंट। पर यूएस वॉर में आता क्यों है? यूएस का इन्वॉल्वमेंट और वॉर में इसलिए है क्योंकि कम्युनिस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। यूएसए नहीं चाहता कि कम्युनिस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट भी कहीं भी इस्टेब्लिश हो। चाइना में हो गया है तो कोई बात नहीं, बट और जगह ना हो। वियतनाम में भी जो है कि कोशिश कर रहे थे डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इस्टेब्लिश हो, क्योंकि जो डेमोक्रेसी है वो माना जाता है कि डेमोक्रेसी एक वेस्टर्न फिलॉसफी है, ठीक है, जो कि चाहते हैं वेस्टर्न कंट्रीज की थ्रू आउट द ग्लोब क्या हो, थ्रू आउट इस्टेब्लिश हो, इस्टेब्लिश हो। कम्युनिस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में ये रहेगा कि जो गवर्नमेंट का इन्वॉल्वमेंट, ठीक है, बहुत ज्यादा होता है ओवरऑल वर्किंग में, ठीक है। अब जैसे चाइना का केस देख, डेमोक्रेसी यहाँ से इवॉल्व हुआ वेस्टर्न से, और कम्युनिज्म आपके जो है रशिया चाइना इन जगहों से, पर्टिकुलरली चाइना आप देखो, कम्युनिज्म आपने सोशलिज्म इन यूरोप पढ़ाई है तो वहाँ पे, ठीक है, तो रशिया और चाइना इन सब जगहों पे। तो अब जब कोई भी कंट्री जो कि डेमोक्रेटिक बन सकती है, ठीक है, तो यूएसए चाहेगा कि वो डेमोक्रेटिक बने, क्योंकि डेमोक्रेसी होता है तो लोग जो जैसा चाहते हैं चेंजेस वैसे चेंजेस लाना पड़ता है गवर्नमेंट को जो कि पावर में है, ठीक है। और लोग जब क्या चाहेंगे, फ्रीडम चाहेंगे, फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, ये सारी चीजें चाहेंगे, ठीक
ठीक है, ट्रेड होगा फिर ज्यादा ज्यादा ट्रेड होगा तो सबसे ज्यादा पावर, मतलब सबसे ज्यादा फायदा किसको होता है ट्रेड में? वेस्टर्न कंट्रीज। वेस्टर्न कंट्रीज को, ठीक है। तो और यूएसए में, यूएसए क्या है, एक कैपिटलिस्ट कंट्री है जो चाहेगी कि ऐसे ही फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बना रहे, ठीक है। इसमें बहुत सारी चीजें हैं, एक मैंने आपसे डिस्कस कर लिया, क्लियर हुआ आप लोगों को? यस सर। यस सर। चलो ठीक है, अब इसके बाद आप बताओ, कोई डाउट है आप लोगों का तो फर्दर फर्दर कुछ पूछना है जो ऑलरेडी पढ़ लिया है उससे, क्योंकि कल हम लोग अब एक नया जो है कि टॉपिक स्टार्ट करेंगे, मैप। मैप को जियोग्राफी के मैप पूरे कंप्लीट करेंगे। आप लोग कोशिश करिएगा कि करिएगा कि आपके पास एक पॉलिटिकल मैप हो, एक क्या मतलब जो आई थिंक एक बंडल आता है जिसमें 10-15 पॉलिटिकल मैप होते हैं, आई थिंक ज्यादा ही होते हैं, उससे कोशिश करिएगा उतने आपके पास हो कम से कम, ताकि देन एंड देयर आप क्या कर सकें, अपने लोकेट एंड लेवल कर सकें, राइट। तो हमारा मेन पर्पस तो एनपीएससी है, ठीक है, और इसमें कई सारे फैक्ट्स एंड फिगर्स लिखे होंगे, ठीक है। उस फैक्ट्स एंड फिगर्स को क्या करना है, आपको नोट डाउन करना है आपके एनटीएससी के एग्जामिनेशन के लिए, क्योंकि फैक्ट्स एंड फिगर्स ही तो पूछे जाते हैं ऑब्जेक्टिव टाइप ऑफ क्वेश्चंस में, मैप भी पूछ लेंगे एट द सेम टाइम। समझ में आ रही है बात? यस सर। यस सर। तो आप लोगों को आई थिंक इससे पहले भी कभी मैंने मैप कराया होगा, 9th में ही कराया हो, बट कराया होगा, यस सर, 9th में यस कराया सर था। कराया था। हाँ, तो उसमें भी कई सारे फैक्ट्स एंड फिगर्स थे, आपने नोट किए होंगे, राइट। यस सर। यस सर। तो इस तरीके से इसमें भी होगा, और जिसकी क्लास कल होगी। और कोई डाउट है तो फर्दर पूछ लो, आप लोग कुछ जानना चाहते हो प्रिंट कल्चर से ही अगर कुछ पूछना है तो पूछ लो। आप लोगों के स्कूल में सारा कुछ पढ़ा दिया गया है? नो नो सर, सर। टीचर ही नहीं आते क्लास सर। में। क्यों, यस टीचर सर। सर अभी तो दोबारा ऑनलाइन स्टार्ट हो गई। सर ऑफलाइन में भी नहीं आते थे वो, तो ऑनलाइन में भी नहीं पढ़ाया कुछ। सर इसलिए मैं स्कूल नहीं जा रहा सर, वहां पे आते हैं कहने हाँ के लिए सर, वहां पीरियड लगता है पर टीचर नहीं आते सर, उन्हें बहुत सारे काम दे रखे हैं वो बेचारे। सर, और मेरे मेरे सर स्कूल में वो मेरे बैठे रहते फादर हैं स्टाफ रूम टीचर में। है, मदर टीचर है सर, दोनों स्कूल जा रहे हैं, बच्चों को नहीं पढ़ाने बुला रहे पर। अच्छा, इसीलिए तुम बेचारे कह रहे हो, ठीक यस है। सर, सर मैं जानता हूं। सर पर मेरे अच्छा सर बेचारे नहीं हैं। चलो ठीक है, बाकी लोग बताओ, किसी के यहाँ तो पढ़ाई हो रही होगी। सर हो रही थी अभी सर, लेकिन ऑनलाइन स्टार्ट हो गई कल से। अच्छा यस ओके, सर, मेरे ऑनलाइन में ही भी कंटिन्यू हो रही है अभी। हाँ। अर्नब क्या बता रहे हो, सर ऑनलाइन में ही कंटिन्यू हो रही है। ऑनलाइन में ही कंटिन्यू हो रही है? चलो यस सर। सर लेकिन अभी सिलेबस मतलब थोड़ा सा बचा हुआ है। जियो में एक चैप्टर, नहीं जियो में 2 चैप्टर, और स्कूल में पॉलिटिक्स में 1 चैप्टर बचा हुआ तुम आंसर करते हो ना, तुम लोग सभी लोग, अगर है। मैम यस कुछ सर। यस पढ़ाती सर। हैं कुछ पूछती हैं, बताओ। यस यस सर। सर। चलो यस सर। ठीक है, सर कभी कभी मैम ज्यादा आंसर सुन के परेशान भी हो जाती है। हाँ? सर कभी कभी ज्यादा सारे बच्चे बोलते ही नहीं तो परेशान भी हो जाती है कि बच्चा बोल रहा हाँ यस सर, होता है ये भी। सर खुद ही मना कर देती हैं बोलने को आंसर। अच्छा यस सर, ये सर, तो रोज होता है। तुम मत बोलो, कोई और बोलेगा। यस सर, ये बहुत होता है। यस सर। कृष्णा के केस में तो होता होगा, ये तो मैं भी बिलीव कर रहा हूँ। क्यों कृष्णा? सर यस सर। मेरे कृष्णा ऊपर का जब ध्यान आ दिया जाता है। सर, 9th सिविक्स में इम्पोर्टेंट चैप्टर एन एस टी एस सी, ठीक है। इम्पोर्टेंट चैप्टर अगर सिविक्स में देखो तो मुझे लगता है आप लोगों ने वर्किंग ऑफ इंस्टीट्यूशन पढ़ा ही होगा, यस सर। और यस फिर डेमोक्रेटिक राइट्स पढ़ा होगा आपने, ठीक है। तो सर। डेमोक्रेटिक राइट्स जब पढ़ना तो आर्टिकल्स, जो इम्पोर्टेंट फंडामेंटल राइट्स के आर्टिकल्स हैं उसको जरूर याद करना, ठीक है। आप जो है कि लूसेंट अगर आपके पास है तो देख लीजिए, नहीं तो गूगल पे कर लीजिए, फंडामेंटल डिफरेंट इम्पोर्टेंट आर्टिकल्स ऑफ फंडामेंटल राइट्स, ठीक है। वही डेमोक्रेटिक राइट्स मीन्स फंडामेंटल राइट्स, ठीक है। इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स याद करके जरूर जाइएगा। फिर उसके बाद वर्किंग ऑफ इंस्टीट्यूशंस हैं, तो आप प्रेसिडेंट के पावर्स को, प्राइम मिनिस्टर के पावर को, ठीक है, जुडिशरी, ये सारी चीजें को पढ़ लीजिएगा। और फिर इलेक्टोरल पॉलिटिक्स आप पढ़ लीजिएगा, ठीक है। इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में भी इम्पोर्टेंट जो है कि चीजें हैं,
ठीक है, इम्पोर्टेंट चीजें में जैसे चीफ इलेक्शन कमिश्नर क्या पावर है, ठीक है, फिर जो है आप चले जाओ यहाँ पे आपके कॉन्स्टिट्यूशनल डिज़ाइन, जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वाला पोर्शन है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, कैसे कॉन्स्टिट्यूशन डेवलप होता है, कराची का सेशन, ठीक है, मोतीलाल नेहरू का रिपोर्ट, ये सारी चीज़ें, ठीक है, फिर उसके बाद प्रियम्बल कहाँ से लिया गया, क्या क्या इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज हैं, कौन कौन, आखिर में देखो कि प्रियम्बल के नीचे लिखा होगा कुछ ऐसे टर्म्स हैं जो बाद में ऐड हुए हैं प्रियम्बल में, ठीक है, सेकुलर सोशलिस्ट इंटीग्रिटी, ठीक है, ये कब ऐड हुआ था, ठीक है, कौन से कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट में ऐड हुआ था, ये भी इम्पॉर्टेंट है, उसको जो है कि क्या बुलाया जाता है, चलो मैं आंसर ही बता देता हूँ, 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू हुआ था, इसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी बुलाया जाता है, ठीक है, तो उसको भी देखना जरूरी है। डेमोक्रेसी इन द कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड एक चैप्टर हुआ करता था पहले, ठीक है, सिविक्स से हटा दिया गया, अब व्हाट इज डेमोक्रेसी, व्हाई डेमोक्रेसी पहला चैप्टर हो गया, अगर आपके पास पुरानी बुक है तो वो वाले पोर्शन को भी समझ लेना, ठीक है, डेमोक्रेसी इन द कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड, ठीक है, क्लियर हो पा रहा है आप लोगों को? यस सर। कोई डाउट? नो सर। चलो ठीक है, तो नेशनलिज्म इन इंडिया तो आई थिंक सभी को क्लियर ही है, राइट, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बोर्ड के लिए भी है, आपके बोर्ड में मैप में मैप बेस्ड भी क्वेश्चन आएगा, फिर ओवरऑल जो है कि थ्योरेटिकल बेस्ड भी क्वेश्चन इसी से आएगा, और एनटीएससी में भी आप देखोगे कि एक अच्छा पोर्शन रहेगा इसका, अब आप दिल्ली से दे रहे हो और चाहे यूपी से दे रहे हो, नेशनलिज्म इन इंडिया जो यूपी से दे रहे हैं उनके लिए थोड़ा ब्रॉडर होगा, बाकी दिल्ली वालों के लिए तो नेशनलिज्म इंडिया जो पढ़ाया गया है जितना है, ठीक है, चाहे वो सोर्स बेस्ड हो चाहे इमेज बेस्ड हो, सब इम्पोर्टेंट, समझ में आ रही है बात? यस सर। यस सर। चलो ठीक है, ठीक है, तब कोई डाउट है तो बताओ, अदरवाइज वाइंड अप करते हैं क्लास को, कल से फिर नया टॉपिक स्टार्ट होगा, थैंक यू, चलो ठीक है, थैंक यू एवरीवन, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, वी विल हैव अ फर्दर डिस्कशन यस टुमारो, ठीक है सर, थैंक यू सर, गुड नाइट सर, बाय सर, बाय, गुड नाइट एवरीवन, बाय एवरीवन।